तब से कांग्रेसियों के पेट में दर्द है। पेट में दर्द इस बात को लेकर है कि उनके राज में जो राजस्थान को कलंकित करने वाली घटनाएं हुई वो अब हो नहीं रही हैं। राजस्थान विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और राजस्थान ने जिस तरीके से प्रगति की है पिछले 8-9 महीने में वो कांग्रेसियों के पक्ष नहीं रही है। जिस तरीके से ERCP का प्रोजेक्ट, जो बरसों पुराना प्रोजेक्ट था, वो उसका MOU हुआ, जिस तरह यमुना जल समझौता हुआ, जिस तरीके से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, जिस तरह बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक के खिलाफ SIT बनाई और 157 अभियुक्त पकड़ के लेकर आए, जिस तरीके से संगठित अपराध के खिलाफ SIT बनाई और जिस तरीके से भारत की बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 2,24,000 करोड़ का MOU किया गया और जिस तरीके से ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है, इससे कांग्रेसियों को अपच शुरू हो गई है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो उलूल जुलूल बयान सारे दिन देते रहते हैं। वो उलूल जुलूल बयान इसलिए भी देते हैं कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, उनसे बड़ा दिखने के लिए इस तरह की उलूल जुलूल बात करते हैं। लेकिन हम भी बहुत समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत सारे हजारों लोग इतिहास में भी और वर्तमान में भी राजस्थान में राजनीति करते आए हैं। उन्होंने कभी भी राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित करने का काम नहीं किया भाषा की मर्यादा के साथ। ये काम अकेले और अकेले गोविंद सिंह डोटासरा ने किया केवल सुर्खियां लाने के लिए। राजस्थान की जो सांस्कृतिक मर्यादा है, राजस्थान की जो राजनीतिक संस्कृति है, उसके ऊपर कलंक लगाने का काम केवल गोविंद डोटासरा कर रहे हैं। ये गोविंद डोटासरा वो नेता है जो कभी अशोक गहलोत जी के बड़े नजदीकी और उनके बड़े खासम खास सिपे सवार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अशोक गहलोत जी को ये नहीं कहा कि यमुना जल समझौता लेकर आओ, सेखावटी के लोगों को पानी पहुंचाओ। उन्होंने अशोक गहलोत को कभी ये नहीं कहा कि पेपर लीक होने से हमारे लाखों किसानों के बच्चे किस तरीके से आज महसूस कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन करो, कभी नहीं कहा। उस वक्त तो बटोरने में लगे हुए थे और आज जब सब कुछ सिमट गया है, जनता ने सब कुछ सिमट लिया है, तब जाकर उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश गोविंद डोटासरा कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ये ठान चुके हैं कि जो गड्ढे में राजस्थान को डालकर गई थी कांग्रेस पार्टी, उसमें से निकालकर विकास की पटरी पर इसको दौड़ाना है। हर क्षेत्र में यहां विकास करना है, हर क्षेत्र के लोगों को ऊपर बिठाना है, हर जाति समाज के लोगों के साथ मिलकर चलना है और राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाना है। भारत के विकास में उसका राजस्थान का योगदान हो, यह सुनिश्चित करना है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, भजनलाल शर्मा जी की सरकार बहुत अच्छा और शानदार काम कर रही है। एक विजनरी मुख्यमंत्री जो 18-18 घंटे काम करके राज्य के लिए सोचता है, उसको बार बार उनके ऊपर टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरने के लिए टिप्पणी करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, मुझे लगता है कि राजस्थान की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। अभी भी अगर वो समझे तो अच्छी बात है।